स्मार्टफोन के दाम होने वाले हैं महंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप करेंटली स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हैं या फिर थोड़े समय बाद परचेस करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्टफोन है उसकी कीमत बढ़ने वाली है। दोस्तों इसकी कीमत क्यों बढ़ने वाली है, इसके बारे में वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में अपने वीकली कम्युनिटी पोल के बारे में बात करूंगा, जहां पर कि आप अपने इंपॉर्टेंट व्यूज ओपिनियन को शेयर करते हैं, और कुछ बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आयुष टॉक्स के एपिसोड 5th में। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीकली कम्युनिटी पोल से लेके, जहां पे कि मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा था कि दोस्तों आपके जो इस समय जो करेंटली स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, जहां पे दोस्तों 16% लोगों ने बोला था कि मेरे फोन में एंड्रॉइड 4, 5 या फिर उसके नीचे का एंड्रॉइड मैं यूज कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 2% लोग बोले कि यहां पे मेरा जो स्मार्टफोन है उसमें मैं एंड्रॉइड 6 यानी कि मार्शमेलो यूज कर रहा हूं, जहां पे 23% लोगों बोले हैं कि यहां पे मैं एंड्रॉइड 7 को या फिर 8 को यूज कर रहा हूं, जहां पे 18% लोग बोले हैं एंड्रॉइड 9 को यूज कर रहा हूं, और 41% लोगों बोले हैं कि मैं यहां पे एंड्रॉइड 10 या फिर उससे ज्यादा यूज कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मैं अपना करंट स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं, मैं उसमें एंड्रॉइड 10 को यूज कर रहा हूं। फिलहाल दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पर कि मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों आप जो इस समय फोन यूज करते हैं उस फोन में आपका कौन सा स्लॉट दिया गया है। दोस्तों यहां पे 8% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में सिंगल सिम स्लॉट दिया गया है, जहां पर कि 8% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में डुअल सिम स्लॉट दिया गया है, जहां पर कि दोस्तों 22% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जहां पर कि हम लोग का 2 सिम, 1 सिम या फिर 1 मेमोरी कार्ड लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 63% लोग बोले हैं कि मेरे जो मोबाइल फोन है उसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, जहां पर कि आप दोस्तों 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप जो तीसरा सवाल पूछा था कि अगर दोस्तों अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी देखेंगे, तो यहां पर दोस्तों 30% लोगों ने बोला कि मैं भाई प्रोसेसर देखूंगा, जहां पर कि 3% लोग बोले हैं कैमरा, और 5% लोग बोले हैं बैटरी, और 3% लोग बोले हैं डिस्प्ले, जहां पर कि इन सभी चीजों को मैं मैटर करूंगा, तो वहां पर 58% लोग बोले हैं कि मैं इन सारे चीजों पर देखूंगा, यानी कि प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, जिस फोन का अच्छा होगा मैं उसी फोन को परचेस करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इस समय जो 58% लोग बोले हैं कि हाँ भाई मैं सब चीज़ देख के परचेस करूंगा, तो वो तो भाई बढ़िया बात है कि आप जब सब कुछ देखेंगे उस फोन में सब कुछ अच्छा है तो आप उसी फोन को परचेस करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे ज़्यादातर यूज रहता है कैमरे का, तो मैं वही स्मार्टफोन परचेस यूज करूंगा जो कि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब दोस्तों बात कर लेते अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि आप जो समय करंटली स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसका बैक में क्या कैमरा सेटअप है, जहां पे दोस्तों 29% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में सिंगल कैमरा सेटअप है। इसके अलावा 21% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में डुअल कैमरा सेटअप है, जहां पे 18% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसके अलावा 25% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जहां पे 6% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में पेंटा कैमरा सेटअप है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समझो सैमसंग लॉन्च करने वाला अपने ब्रांड न्यू ए सीरीज को फोन को, शायद वो सैमसंग गैलेक्सी A72 है, दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो ए सीरीज का कोई फोन है, तो वो हम लोग का लॉन्च करने वाला है, लेकिन अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, तो वहां पे पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग का एक नोकिया का फोन लॉन्च हुआ है, तो उसका कुछ याद नहीं, लेकिन नोकिया का फोन है जहां पे कि पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो जो यहां पे दोस्तों 6% लोग ये बोले हैं पेंटा कैमरा सेटअप, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा फोन, कौन सा मॉडल नंबर यूज करते हैं जहां पे कि आपको पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं दूसरे कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप कोई भी करंटली स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आप 10,000 रुपए के नीचे कितने जीबी का रैम एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पे दोस्तों 1% लोग बोला है 2 जीबी, जहां पे 8% लोग बोले हैं 3 जीबी, इसके अलावा 74% लोग बोले हैं 4 जीबी, जहां पे 7% लोग बोलते हैं 6 जीबी, और 10% लोग बोलते हैं 6 जीबी प्लस। तो भाई मैं आपको बता दूं कि 10% जो लोग बोले हैं 6 जीबी प्लस, भाई ये तो थोड़ा इंपॉसिबल सा ही लग रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपके स्मार्टफोन में कितने जीबी का स्टोरेज है, जहां पे दोस्तों यहां पे 16% लोग बोले हैं कि मेरा जो फोन है उसमें 8 जीबी के नीचे स्टोरेज है, जहां पे 22% लोग बोले हैं कि मेरे फोन में 16 to 32 जीबी का स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा 50% लोग बोले कि मेरे फोन में 64 to 128 जीबी का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है, जहां पे 3% लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में 128 से 256 जीबी का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और 8% लोग बोलते हैं 512 जीबी प्लस। दोस्तों यहां पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, यहां पे मैं लिखा 64 जीबी और 128 जीबी, लेकिन दोस्तों जो इसका नेक्स्ट था 128 जीबी और 256 जीबी, यहां पे दोस्तों 256 जीबी और 512 जीबी होना चाहिए, तभी यहां पे जो नीचे वाला होगा 512 जीबी प्लस होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मैं करंटली स्मार्टफोन यूज करता हूं मेरे फोन में 64 जीबी का ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, जहां पे दोस्तों 56% लोगों ने बोला कि भाई मैं तो जियो यूज करता हूं, जहां पे 25
5% लोग बोले कि मैं एयरटेल यूज करता हूँ, इसके अलावा 14% लोग बोले हैं कि मैं वीआई यानी कि वोडाफोन या आइडिया यूज करता हूँ, इसके अलावा 4% लोग बोले कि भाई मैं बीएसएनएल यूज करता हूँ, 1% अदर बोले। तो भाई अदर में क्या, यूनिनॉर और एयरसेल, मतलब वो तो अभी है ही नहीं, मतलब इसमें 1% में क्या, आप मुझे कमेंट करिए बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इतने तो हो गए कम्युनिटी पोल के बारे में, जो कि मैं अपने वीकली कम्युनिटी पोल को शेयर करता हूँ, जहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट व्यूज और ओपिनियंस आप शेयर करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग जो स्मार्टफोन है वो हम लोग महंगे होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हम लोग का जो स्मार्टफोन है उसका जो पैनल आते हैं उसमें 10% की इंक्रीमेंट होने वाली है प्राइस में। तो इस वजह से दोस्तों हो सकता है कि जो हम लोग करंटली स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हैं, जो कि हम खरीदेंगे कुछ समय बाद, उसमें हम लोगों का इजाफा हो सकता है प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग स्मार्टफोन महंगे होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो वीआई है यानी कि वोडाफोन आइडिया या फिर आइडिया वोडाफोन, तो यहाँ पे इनके जो हम लोग के टैरिफ प्लान्स हैं, टैरिफ प्लान्स क्या है, टोटल जो प्लान्स जितने भी प्लान्स आते हैं वो सारे ही प्लान महंगे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले 5-6 महीने में आइडिया वोडाफोन जियो एयरटेल जितने भी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी है वो सारे के सारे अपने जो उसके प्लान है उसको महंगा कर देंगे दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि अगर एक कंपनी भी यहाँ पे अपने प्लान को महंगा करेगी तो उसका देखा देखिए सारी कंपनी थोड़े थोड़े प्लान को अपने महंगा कर ही देगी।